अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़फ़र सलीम और आप देखें ट्रिपल टी। मेरी आज की वीडियो जो है वो, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है तालीम तरबियत तरगीब, और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली तरगीब पे है। इसमें कोई जो है वो जो स्पेसिफिक जो आपका जो एजुकेशन का होता है, जिस तरह स्कूलिंग का होता है, उसमें कोई इस तरह की वीडियो नहीं है। ये टॉपिक उस तरह का नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि आजकल जो पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान के आपको पता है मुआशी हालात किस तरह हैं, किस डगर पे चल रहे हैं, डॉलर का रेट कहाँ पे कहाँ चला गया है, और जो पेट्रोल की प्राइसेस भी बहुत ऊपर चली गई हैं। तो इसमें तो बहुत सी रीज़न हैं, बहुत सी वजूहात हैं, हमें उसमें उन वजूहात में नहीं पढ़ना है। तो असल जो बात है, मैं उसकी तरफ आऊँगा। आपने बिल्कुल माइंड नहीं करना है, पूरी पूरी वीडियो मेरी ये वॉच करें, इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होगी। हमने हर एक ने अपने अपने हिस्से का बीज डालना है, हमने स्ट्रगल करनी है, अपना टाइम देना है, अपने आप को देना है, हमने अपने लिए काम करना है और अपने मुल्क के लिए काम करना है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें बयान कर दूं कि हमारे यहाँ जो जो हमारे पास यंग जनरेशन है वो क्या है, अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रही है सोशल मीडिया पर, गालम गलोच और सियासत और पोस्टें और इस तरह के जवाब और फिक्रे और ये इन चीज़ों में मसरूफ है। एक ग्रुप है जिसको जो एक ग्रुप है वो दूसरी और ग्रुप के ख़िलाफ़ जो पोस्टें कर रहा है, और उनको वो कहते हैं कि वो पटवारी हैं, यानी एक ग्रुप को पटवारी कह दिया और जो दूसरे हैं उसको पोस्टें कर रहे हैं कि ये पटवारी हैं, ये पटवारी, अब आराम आ गया आपको, ये हो गया। तो जो पहले वाला ग्रुप है उनके ख़िलाफ़ जो है वो दूसरे लोग कर रहे हैं, और उनको यूथिया कह रहे हैं, कभी लालो लार कह रहे हैं, कभी तरबूज कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और इस तरह ये सारा चक्कर यानी वो सिलसिला चल रहा है। इसमें एक तो अपना वो अपना जो है वो पैसा ज़ाया कर रहे हैं, अपना वो एनर्जी उसमें ज़ाया लग रही है, आपकी बिजली लग रही है, कंजप्शन उसी हो रही है, आपका नेट डाटा लग रहा है जी, इंटरनेट लग रहा है, आप टाइम उसमें किल कर रहे हैं जी, आपका कुछ काम जो फ्री उसमें आप बैठे उधर लगा रहे हैं। तो इसको हमें ये करना है कि हमें सब पार्टियों को भूलना होगा, ये सारी पार्टियाँ ऐसे हैं, इन्होंने इसी तरीके से करना है, इन्होंने इसी तरीके से IMF से कर्ज़ा लेते जाना है, और आपको वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लेके देना है, और ये दूसरे कंट्री से इन्होंने कर्ज़ा लेके देना है, और आपने आपको उन्होंने जो है ना वो सूद के नीचे जो है ना वो दफन कर देना। और सूद जो है एक लानत है, और जब तक हम सूद से छुटकारा नहीं पाएंगे हम कभी भी जो है ना वो माशी तौर पर बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ दो सोल्यूशन बताऊँगा, दो ही सोल्यूशन है, और हमें मुख्तलिफ इसमें स्टेप्स करने हैं, स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सोल्यूशन दो हैं हमारे पास। पहला सोल्यूशन ये है कि हमारे पास जो है ना वो जो है रिसोर्स जो हैं, वो पैसे जो हैं हमारे पास, वो हमारे वसाइल बेहतर हो किस तरीके से, तो वो दो ही तरीके से होगा आपके पास। एक तो ये है कि आप अपने मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें। तो सबसे पहले आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप एक दूसरे के बजाय एक दूसरे के खिलाफ जो पोस्टें लगाते हैं उस पर जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस पर जो एनर्जी किल कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम करें। सियालकोट सिटी के अंदर जो काम हो रहा है वहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट ले सकते हैं, वहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप बतौर प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट परचेज करके बेच सकते हैं, उसी भी तरीके से। दूसरा चीज़ है कि आप एग्रीकल्चर, हमारा जो हमारा मुल्क है वो हमारा क्या है कि उसमें एग्रीकल्चर हमारा मुल्क है, ज़राई मुल्क है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर आप काम कर सकते हैं, आप सर्चिंग करें नेट के ऊपर कि कौन सी चीज़ें हम बाहर भेज सकते हैं, एग्रीकल्चर करके उसको रॉ मटेरियल की बजाय आप उसमें एक प्रोडक्ट की फॉर्म में देके दूसरे चीज़ भेजें, कपास है वो जो भी चीज़ें, तो आप इस तरह की चीज़ें उस पर करें। और ये इसमें जो है वो ये है कि ये आप जो चीज़ें जो ज़मीनें फर्टिलाइज हैं, फर्टाइल ज़मीनें हैं, उसमें आप उस पर ऊपर काम करें और उस तरह की चीज़ें करें। एक तो चीज़ ये भी, दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि कंट्री के अंदर विदिन कंट्री, दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बाहर की मुल्क में चले जाएँ, 5-7 साल 10 साल लगा के हैं, और उसके लिए आपको हुनर सीखना है। आप बजाय ये फेसबुक जो पोस्टर लगा रहे हैं, आप हुनर सीखें, अपना टेक्निकल हुनर सीखें, आप कोई IT के रिलेटेड हुनर सीखें, आप अगर आपको पढ़े लिखे नहीं हैं तो AC का काम सीखें, AC का टेक्नीशियन काम, गाड़ियों का काम, मैकेनिक का, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप काम, एटलीस्ट अगर वो नहीं है तो आप ड्राइविंग सीख लें, आप जो ऑपरेटर कुछ चीज़ के मशीनरीज होती हैं, हैवी मशीनरीज है, हैवी इक्विपमेंट, उसको आप चलाना सीख लें, तो इस तरह की चीज़ें सीख लें। आप अपना मुख्तलिफ जो है वो इस तरह वेल्डिंग के अंदर, उसमें प्रोफेशनल वेल्डिंग है जो टिग है या मिग है, इस तरह की जो है वो हाई प्रोफाइल जो वेल्डिंग है उसमें आप काम सीखें, उसमें आपको डॉलर्स भी आपको पैसे मिलेंगे, और इस तरीके से आप अपने मुल्क को बचा सकते हैं। काइंडली इन पार्टियों को छोड़ें
अपने मुल्क की तरफ उसको उसके जो वो ज़र मुबादला उसको बनाएँ और अंदर भी रह के उसको एक्सपोर्ट इस तरह काम करें जिसमें आप या आपके पास जो नई चीज़ है नई फील्ड है आप उसमें ऑनलाइन आप काम करते हैं अगर अमेजोन पे करते हैं वर्चुअल असिस्ट के तौर पर काम करें या किसी और अलीबाबा या उस तरह की किसी और वेबसाइट पर अगर आप काम करते हैं तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर भी बाहर से पैसे लगा सकते हैं। काइंडली उन सारे चक्रों में पोस्टों के चक्रों में निकलें और अपने मतलब उस तरीके से बचाएँ और उसको IMF वगैरह और इस तरह के जो बैरूनी कर्जे हैं उससे इसको निकालें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।